In this video, we will discuss domestic topics, Pakistan current affairs. So second part is domestic topics for land and people of Pakistan, overview of Pakistan, geography, society and natural resources, agriculture, industry and education. Now main topics for discuss karenge. So sabse pehle hum iska introduction dekh lete hain, iska overview aur iski significance kya hai. So Pakistan, located in South Asia, is a country with a diverse geography and rich cultural heritage. Understanding its geographical features, social structures, natural resources and key structures such as agriculture, industry and education is essential for comprehensive grasp of the country development and challenges and significance. So this overview provides a foundation for analyzing Pakistan's socio-economic and political landscape, which is crucial for comparative exams and a deeper understanding of the country dynamics. And kyunki Pakistan jo hai wo junubi Asia mein hai aur jo geography aitbaar se agar hum Pakistan ko dekhen, jiske scope se ऐसे अगर पाकिस्तान को सकाफती वैसे के हवाले से देखें तो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा अहमियत है दूसरे ممالک के मुकाबले में और इसके जो ज्योग्राफियाई इसका ज्योग्राफी है या इसके जो मौसमी इसकी यानी कि स्ट्रक्चर है सोसाइटी की और उसके अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं जैसे कि ज़राअत है सनअत है या तालीम है तो इन तमाम को समझना जरूरी है इनके क्या किरदार है मुल्क की तरक्की के अंदर और इन तमाम शोबों को किन-किन चैलेंजेस का सामना है इसको अंडरस्टैंड करना नेसेसरी है और इसके साथ-साथ जो ये जो जायजा है वो पाकिस्तान के सामाजिक सामाजिक और सियासी मंजरनामे को समझने के लिए भी एक बुनियाद देगा और जो मुकाबले के जो इम्तिहानात होते हैं इन कंपैरेटिव एग्जाम्स और मुल्क के जो हालात हैं उनको भी गहराई से जान सकेंगे सो ज्योग्राफी हम देखते हैं जिसमें लोकेशन और बॉर्डर्स आता है ज्योग्राफिकल पोजीशंस और की सिटीज सिचुएटेड इन साउथ एशिया बॉर्डर बाय इंडिया टू द ईस्ट चाइना टू द नॉर्थ अफगानिस्तान ईरान टू द वेस्ट अरेबियन सी टू साउथ Then key cities, major cities include Islamabad, जो capital है, then Karachi, largest city and economic hub, और Lahore जो है वो cultural और historical center है, और Peshawar जो है वो strategic और historical significance रखता है। तो पाकिस्तान के जो geographical मकाम है वो कुछ इस तरह से है कि जो जनूबी एशिया के अंदर है और इसके सारे जो है सरहदें मशरक में भारत के साथ मिलती हैं, शुमाल में चीन के साथ, मगरब में अफगानिस्तान और ईरान, जबकि जनूब में बहीर अरब के साथ तो इसके जो अहम शहर हैं वो इस्लामाबाद है जो कि दारुलहुकूमत है फिर कराची है सबसे बड़ा शहर मुआशी मरकज भी है लाहौर सकाफती और तारीखी लिहाज से अहम है मतलब तारीख की मरकज है और पेशावर भी तारीखी और स्ट्रेटजिक अहमियत रखता है एंड देन फिजिकल फीचर्स मीन माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स अगर हम इसके कुछ फिजिकल फीचर्स देखें तो इसके अंदर जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो पाकिस्तान में दुनिया की बुलंद तरीन चोटियाँ हैं जिनमें कराक्रम के सिलसिले हैं केटू है हिमालय है नंगा पर्वत जैसी पहाड़ियां हैं पहाड़ हैं और इसके साथ साथ जो अहम दरियां हैं जिनमें दरिया सिंध है जेलम है चनाब है रावी है सतलज है तो जो ज़राअत और पानी के मसाइल के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान का क्लाइमेट पाकिस्तान की आबो हवा डाइवर्स क्लाइमेट जोन्स एंड सीजनल वेरिएशन तो जो जुनूब मशरक के अंदर जो है वो थार का सैराब भी है और जनूब मगरब में बलोचिस्तान का सतह मुर्तफा भी है तो आबो हवा में जो पाकिस्तान के मौसमी जून में मगरब में जो है वो खुश्क और नीम खुश हवा होती है शुमाल में मॉडरेट होती है और जो साहली इलाके होते हैं उनमें कुछ थोड़ी सी गर्म होती है और इसके अलावा जो सीजनल वेरिएशन हैं पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मौसम में काफ़ी फ़र्क होता है जिसमें गर्मियाँ होती हैं शुमाल इलाकों में सर्दियाँ होती हैं जिस तरह से जो मशरकी और मरकजी हिस्से हैं उनके अंदर भी मूनसून वगैरह बारिशें होती रहती हैं इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की सोसाइटी है जिसमें डेमोग्राफिक्स हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन है एथनिक ग्रुप्स हैं एंड पाकिस्तान के लैंग्वेजेस हैं तो 2024 के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी जो है वो 240 मिलियन से बढ़ गई है तो इससे फिर दुनिया का पाकिस्तान इस लिहाज से पाँचवा सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से और जो इसके अलावा इसमें नस्ल एतबार से अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर पंजाबी हैं सिंधी हैं पश्तून हैं बलोच हैं महाजर हैं और बाकी भी इसके अंदर इंक्लूड हैं स्मॉलर ग्रुप्स इसके अलावा पाकिस्तान के लैंग्वेजेस की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के जो कौमी ज़बान है रबते की ज़बान है वो उर्दू है और अंग्रेज़ी जो है इंग्लिश जो है वो जो सरकारी और इसके साथ साथ जो यानी कि बिजनेस स्टेज के ऊपर एक यूज़ की जाती है इसको और अगर इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर इलाकाई ज़बानें भी हैं जिनमें पंजाबी सिंधी बलोची और इसके साथ साथ जो है पश्तो शामिल है और पाकिस्तान के अगर हम रिलीजन की बात करते हैं तो पाकिस्तान का जो रिलीजन इस्लाम है इसमें बसने वाले ज़्यादातर लोगों का और कल्चरल प्रैक्टिसेस भी
हम इसके पाकिस्तान के सकाफती रवायात को भी डिस्कस करेंगे. तो पाकिस्तान की जो आबादी है वो अक्सरियत की आबादी मुसलमान है, जिनमें ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं, और इसके साथ साथ जो अकलियती गिरोह भी हैं, इनके शिया मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं, ईसाई भी हैं, इसके अलावा भी रिलीजियस ग्रुप्स हैं. इसके साथ जो पाकिस्तान की सकाफती रवायात हैं, मुख्तलिफ नस्ली गिरोह हैं, उनके जो उनके सकाफती रवायात हैं अपनी, और इनमें उनके त्यौहार हैं, इसके साथ साथ मौसीकी है, रक्स है, और इसके साथ साथ खाने पीने की अशिया भी इंक्लूड हैं, जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं जो इस बसने वाले लोग हैं. और पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जिनमें मिनरल रिसोर्सेज हैं, की मिनरल्स पाए जाते हैं, कोयल है, लाइमस्टोन है, जिप्सम है, साल्ट है, या प्रेशियस मेटल्स हैं जिस तरह गोल्ड है, कॉपर है, और इसके साथ साथ जो ऑयल एंड गैस है पाकिस्तान के अंदर, वो भी बलोचिस्तान के अंदर नेचुरल गैस पाई जाती है, सिंध के अंदर है, और इस तरह से पाकिस्तान के जो ये रीजन्स हैं, ये ऑयल प्रोडक्शन के रीजन्स हैं. देन वाटर रिसोर्सेज जिसमें रिवर्स एंड कैनाल्स हैं, तो इंडस रिवर सिस्टम जो है वो इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. और पाकिस्तान के जो डैम्स हैं, जिसमें तरबेला डैम है, मंगला डैम है, ये पाकिस्तान के वाटर स्टोरेज के लिए बहुत अहम है, इरिगेशन के लिए यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ होते हैं. पाकिस्तान की फॉरेस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो फॉरेस्ट कवरेज है, देन कंजर्वेशन एफर्ट्स भी हैं पाकिस्तान के अंदर की जाती हैं. पाकिस्तान के अंदर महदूद जंगलात हैं, लेकिन खासतौर पर जो खैबर पख्तूनख्वा है और शुमाली इलाकों के अंदर है, और इसके साथ साथ जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं, इनको जंगलात को प्रोटेक्ट करने की कोशिश है, लेकिन जंगलात की कमी का जो मुकाबला है वो इसको प्रोटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जंगलात उगा कर किया जा सकता है. इसकी जो पायदारी की मतलब कि जंगलाती पॉलिसियाँ हैं उनको फ़रोग देने की ज़रूरत है. इसके अलावा जो एग्रीकल्चर है पाकिस्तान के अंदर, मेजर क्रॉप्स पाई जाती हैं पाकिस्तान में, स्टेपल्स, इसके साथ साथ कैश क्रॉप्स हैं. फिर पाकिस्तान के अंदर हम इनका जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिस्कस करते हैं, तो मेजर क्रॉप्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अहम फसलें यानी के हैं, जिसमें गंदम है, चावल है, गन्ना और मकई भी काश्त किए जाते हैं. चावल जो है वो खासतौर पर जो बासमती चावल होता है वो एक अहम मतलब के बरामद किया जाता है. और इसके साथ साथ जो कैश क्रॉप्स हैं पाकिस्तान के अंदर यानी के नकद अवर फसलें, तो पाकिस्तान के अंदर जो कैश क्रॉप्स हैं वो टेक्सटाइल सनत के लिए बहुत ज़्यादा अहम है. और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो पाकिस्तान में यूज़ की जाती हैं, पाकिस्तान के अंदर ओल्ड मेथड यूज़ किए जाते हैं आमतौर पर एग्रीकल्चर के अंदर, इसी वजह से जो है हमारी ज़रात बहुत ज़्यादा ज़रात को नुकसान हो रहा है, और बाकी जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी ज़रात के मुकाबले में पाकिस्तान जो है एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी पाकिस्तान उनसे पीछे है. तो उनकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ही ओल्ड हैं. सो पाकिस्तान के अंदर जो इरिगेशन का सिस्टम है वो यूज़ किया जाता है. दर सिंध का जो आबपाशी का निज़ाम है वो दुनिया का सबसे बड़ा निज़ाम है, तो ये अहम फसलों की काश्त के लिए भी जो है इसको यूज़ किया जाता है. और इसको जो चैलेंजेस का सामना है, जिस तरह से पानी की कमी है और ज़मीन भी बंजर है कहीं पर ख़राब है, और जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं उनके असरात भी फसलों पर होते हैं, तो इस तरह से पैदावार जो है उनकी इन फसलों की पैदावार के ऊपर इस तरह के जो चैलेंजेस हैं वो या मौसम है तो वो असर अंदाज होता है. और पाकिस्तान के अंदर अगर हम लाइव स्टॉक की बात करते हैं, उनकी टाइप्स है, कैटल है पाकिस्तान के अंदर, बिफोल है, शीप है, गोट्स है, और उसके साथ साथ जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, मीन के डेयरी, मीट, लेदर, ये सिग्निफिकेंट प्रोडक्ट हैं जो हम इस लाइव स्टॉक सेक्टर से हासिल करते हैं. पाकिस्तान के अगर हम सनतों की बात करते हैं, सनत की जिसमें मेजर इंडस्ट्रीज हैं, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री जो कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, और ये एक्सपोर्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट के अंदर बहुत अहम इनके इसका कंट्रीब्यूशन है. देन मैन्युफैक्चरिंग, तो ये फूड प्रोसेसिंग है पाकिस्तान के अंदर होती है, सीमेंट, इसके अलावा केमिकल्स भी बनते हैं, मशीनरी का इस्तेमाल भी किया जाता है, और इसके साथ साथ जो एनर्जी है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन है, थर्मल पावर से, हाइड्रो पावर से, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के लिए. इस तरह से जो ये एनर्जी सेक्टर है बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना कर रहे हैं, कि खासतौर पर जो इनकी सप्लाई है और डिमांड के हवाले से. देन इकोनॉमिक जोन्स हैं, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं पाकिस्तान के अंदर, दैट एस्टेब्लिश टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने के लिए हैं, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको भी अट्रैक्ट करते हैं. इस तरह से जो फ्री ट्रेड जोन्स हैं कराची और दूसरे सिटीज़ के अंदर, ठीक है, वो फ्री ट्रेड जोन्स को होस्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए. इसके साथ जो पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम है,
पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो ये प्राइमरी सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सिस्टम के अंदर डिवाइडेड है, और ये सिस्टम जो है वो इसको फेडरल भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों मैनेज करती है। देन लिटरेसी रेट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हैव बीन मेड बट चैलेंजेस रिमेन पार्टिकुलर इन रूरल एरियाज एंड अमंग वुमेन। पाकिस्तान के अंदर जो लिटरेसी रेट है उसके अंदर अब इम्प्रूवमेंट आई है, लेकिन कुछ जो पाकिस्तान के दही इलाके हैं और खासतौर पर वुमेन के हवाले से तो अभी उसके अंदर भी चैलेंजेस का सामना है। देन की इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के अंदर जो है हायर एजुकेशन, जिसमें यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब है, कैद आजम यूनिवर्सिटी है पाकिस्तान, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग है, अप्लाइड साइंसेज, तो ये कुछ अहम यूनिवर्सिटी हैं पाकिस्तान के हायर एजुकेशन सिस्टम है, इंस्टीट्यूट है। देन टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग भी है। देन एफर्ट टू एनहेंस स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी थ्रू टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। देन इन एजुकेशन सिस्टम को जिन चैलेंजेस का सामना है उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, इश्यूज इंक्लूड डिस्पेरिटीज इन एजुकेशन क्वालिटी बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड आउटडेटेड करिकुला। देन एक्सेस टू एजुकेशन, एफर्ट्स आर गोइंग टू इंप्रूव एक्सेस टू एजुकेशन पार्टिकुलरली फॉर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड वुमेन। तो पाकिस्तान के शहरी और जो दही इलाके हैं उनके दरमियान तालीम का फ़र्क है, और इसके साथ साथ नसाब के अंदर भी फ़र्क होता है। कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिटीज़ के मुकाबले में जो है विलेजेस में कुछ कम है, और इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो नसाब है उसको पुराना है वो, और बहुत सारे वो मसाइल इसके अंदर हैं। तो इसके साथ साथ जो तालीम तक रसाई है, खासतौर पर पसमानदा जो तबकात हैं, खवातीन के लिए तालीम तक रसाई को बेहतर बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। सो हम जो है कंक्लूजन की तरफ आते हैं। सो पाकिस्तान डिवास्ट जियोग्राफी, रिच कल्चरल हेरिटेज, वेरी नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम द बैकबोन ऑफ इट्स सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले बिटवीन जियोग्राफी, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एजुकेशन इज क्रूशियल फॉर असेसिंग द कंट्री डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस। सो पाकिस्तान के जो जियोग्राफी है, पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से, सकाफती वर्षे के लिहाज से, कुदरती वसायल के लिहाज से बहुत ही अहम मुल्क है, और पाकिस्तान के जो मुआशरा है, पाकिस्तान के अंदर कुदरती वसायल हैं, ज़रात है, सनत के दरमियान तलक है, उनको समझना मुल्क की तरक्की और चैलेंजेस को बेहतर तौर पर जानने के लिए ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक चैलेंजेस इन पाकिस्तान, इशूज फेसिंग पाकिस्तान इकॉनमी। तो पाकिस्तान के जो मुआशी चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सारे मुआशी चैलेंजेस का सामना है, जो पाकिस्तान की तरक्की इस्तेहकाम और जो पाकिस्तान के तरक्याती इम्कानात हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग दिस इकोनॉमिक इशूज इज क्रूशियल फॉर एनालाइजिंग पाकिस्तान इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री एंड फार्मुलेटिंग इफेक्टिव पॉलिसी रिस्पॉन्सेज। तो पाकिस्तान के जो मुआशी मसाइल हैं उनको समझना, पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और इसके जो बेहतर मुस्तकबिल के लिए मुअसर पॉलिसियों को बनाना ज़रूरी है। देन फिस्कल डिफेक्ट्स ओवरव्यू, डिफाइन एंड करंट सिचुएशन। तो पाकिस्तान को जो माली खसारा है इस वक्त, वो माली खसारा इस वक्त पैदा होता है जब हुकूमत के अखराजात उसकी आमदनी से तजावज कर जाते हैं, तो इसको हम फिस्कल डिफेक्ट्स कहते हैं। देन करंट सिचुएशन क्या है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान जो है मसलसल पाकिस्तान जो है वो माली खसारे का शिकार है, खासतौर पर जो मुल्क के इक्तसादी इस्तेकाम है उसके अंदर ये रुकावट बन रहा है। देन कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, रेवेन्यू शॉर्टफॉल्स, हाई एक्सपेंडिचर्स एंड देन बजट इम्बेलेंसेस। सो इस वक्त जो आमदनी की कमी है, यानी कि नाकाफी टैक्सेस पाकिस्तान के को जो पाकिस्तान टैक्स वसूल कर रहा है वो महदूद टैक्स हैं, और इसके साथ साथ जो अखराजात हैं पाकिस्तान की कर्जों की पाकिस्तान ने अदायगी करनी है, इसके साथ साथ दिफा और सब्सिडीज के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अखराजात हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसके साथ साथ जो बजट इम्बेलेंसेज है, यानी कि बजट के इंतज़ाम और तकसीम के अंदर जो निज़ाम है वो भी गैर मौसर है। सो इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं कि डेट अकोमोडेशन, देन इन्फ्लेशन प्रेशर। तो इसके अंदर इसी की वजह से कर्ज में इजाफा हो रहा है, कर्ज़ों के अंदर अवामी कर्ज़ों में इजाफा है, बैरूनी कर्ज़ों के अंदर के ऊपर इनसार किया जा रहा है, और महंगाई का दबाव है इस वक्त पाकिस्तान में, माली खसारे से महंगाई की शरह में भी फिर इजाफा हो जाता है। सो इन्फ्लेशन, देन ओवरव्यू डिफाइन करेंगे इन्फ्लेशन क्या है और इसकी करंट सिचुएशन देखेंगे। तो पाकिस्तान महंगाई से मुराद से ये है कि जो अशिया है, जो चीज़ें हैं और खिदमात हैं, तो उनकी जो कीमतों के अंदर इजाफा हो जाता है, इसको हम महंगाई कह सकते हैं। और जो पाकिस्तान के अंदर महंगाई की शरह है वो बहुत ज़्यादा है इस वक्त, और पाकिस्तान की जो जिसे क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो लागत है या उनकी इक्तसादी इस्तेहकाम है
वो मुतासर होता है. सो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स इसके अंदर अगर हम देखें कौन कौन सी चीजें इसके अंदर इंक्लूड हैं, जैसे सप्लाई चेन डिसरप्शन, देन मॉनेटरी पॉलिसी, देन एक्सटर्नल फैक्टर्स. तो इसके साथ साथ जो सप्लाई चेन है या नकलो हमल है, मीन के जो मॉनेटरी पॉलिसी है, तो इनके इनके जो मसाइल हैं वो इन पाकिस्तान के अंदर मौजूद अशिया की कीमतों पर के ऊपर असर अंदाज होते हैं. सो मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत है, यानी कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो इस वक्त कम है, और इसके साथ साथ जो बैरूनी अवामिल हैं जिनके आलमी जो अशिया हैं उनकी कीमतों के अंदर भी उतार चढ़ाव होता है, और फिर इस तरह से जो पाकिस्तान का शर मुबादला है उसके अंदर भी फिर अदम इस्तेकाम पैदा हो जाता है. तो फिर कंसिक्यूसेस अगर हम इसके देखते हैं क्या आते हैं, यानी रिड्यूस परचेजिंग पावर एंड इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी. तो इसके नतीजे में क्या होता है कि जो खरीदारी की कुवत है अवाम की वो कम हो जाती है, और इस तरह से जो आमदनी में कमी हो जाती है, और फिर सार्फिन की खरीदारी की जो सलाहियत है वो भी मुतासर होती है. इसके साथ साथ जो कारोबार और सरमायाकार लोग होते हैं उनके अंदर भी एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो जाती है. नेक्स्ट हम पॉइंट अनएम्प्लॉयमेंट का देखेंगे. सो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, मीन के बेरोजगारी से मुराद ऐसी सूरत हाल होती है जब अहल और काम के जो ख्वाहिशमंद अफराद होते हैं उनको रोजगार नहीं मिलता. तो इस वक्त भी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है, और पाकिस्तान के अंदर जो बेरोजगारी की शरह है खासतौर पर नौजवानों और ग्रेजुएट्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है. और इसके अलावा जो इसके अंदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक स्लोडाउन है, मीन लैक ऑफ सफिशिएंट जॉब क्रिएशन इन द इकॉनमी, देन मिसमैच ऑफ स्किल्स, डिसकनेक्ट बिटवीन एजुकेशन एंड जॉब मार्केट रिक्वायरमेंट्स, देन इनफॉर्मल सेक्टर, मीन लार्ज इनफॉर्मल सेक्टर विद लिमिटेड जॉब सिक्योरिटी एंड बेनिफिट्स. तो पाकिस्तान के जो अंदर जो जिनके सुस्त रवि है, सादी सुस्त रवि है, मईशत में रोजगार के मौके की कमी है, इस तरह से तालीम और जो मुलाजमत की जिनके की जरूरत है उनके दरमियान एक फ़र्क है, और फिर उसके बाद जो बड़ा गैर रस्मी शोबा है यानी पाकिस्तान के अंदर जिसमें मुलाजमत की सिक्योरिटी और फवायद की भी कमी है. तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, सोशल इश्यूज बढ़ते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है. तो रोजगार के जो मौके की जब कमी हो जाती है तो फिर गुर्बत और जो माशरे के अंदर बदअमनी है उसके अंदर भी इजाफा हो जाता है. तो जो कम इक्तसादी तरक्की है और पैदावारी सलाहियत है वो मुतासर होती है. इसके साथ जो एक्सटर्नल डेट हैं, सो बैरूनी कर्जे हैं, यानी बैरूनी कर्जे मीन के उस बैरूनी कर्ज उस कर्ज को हम कहते हैं जो किसी मुल्क ने गैर मुल्की कर्ज यानी कि गैर मुल्की कर्ज दहिंदगान से हासिल किया हो, किसी और मुल्क से एक मुल्क ने हासिल किया हो. यानी पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की अगर हम करंट सिचुएशन देखें कर्जों के हवाले से, तो कर्जों की भारी मिकदार है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान का जो इक्तसादी बोझ है वो और भी बढ़ रहा है. सो नेक्स्ट हम इसके देखते हैं कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, यानी डेट अकोमोलेशन, डेट सर्विसिंग कॉस्ट, करेंसी डिप्रिसिएशन. सो कंटिन्यूस बोरोइंग टू फाइनेंस बजट डिफेक्ट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, हाई कॉस्ट एसोसिएटेड विद सर्विंग एक्सटर्नल डेट, देन डिप्रिसिएशन ऑफ द पाकिस्तानी रुपी इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ रिपेइंग फॉरेन डेट. तो इस तरह से जो है कर्जों में इजाफा हो रहा है, इस तरह से जो बजट खसारे हैं, तरक्याती मंसूबे हैं वो भी मुसलसल कर्जों की वजह से पूरे नहीं हो रहे, और इस तरह से जो यानी कि बैरूनी कर्ज हैं उनकी खिदमत के लिए ज़्यादा खराजात हैं, और पाकिस्तानी रुपए की कदर में भी कमी हो रही है, उसकी वजह से जो बैरूनी कर्ज हैं उनकी अदायगी है या उनकी लागत है वो बढ़ रही है. सो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, डेट ट्रैप, रिस्क ऑफ फेलिंग इनटू डेट ट्रैप विद इंक्रीजिंग रिपेमेंट्स एंड रिड्यूस्ड फिस्कल स्पेस, देन इकोनॉमिक डिपेंडेंस, इंक्रीज डिपेंडेंस ऑन फॉरेन फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी इंस्टीट्यूशंस. सो इसको इस वक्त जो है पाकिस्तान एक कर्जों के एक जाल में है, बढ़ती हुई अदायगियाँ और इसके साथ जो कम मालियाती एक किस्म की गुंजाइश है वो पाकिस्तान उनके साथ जो है वो एक कर्जों के जाल में फंस सकता है. सो इस तरह से जो इक्तसादी इनसार है, गैर मुल्की माली इमदाद हो या बैन अल-अक़वामी मालियाती इदारों के ऊपर इनसार हो, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये इजाफा हो रहा है इसके ऊपर, और पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर अपने IMF के लिए IMF के ऊपर जो है अपने कर्जों के लिए इस वक्त डिपेंड कर रहा है, और और इसके साथ जो IMF के साथ पाकिस्तान का जो मुआहदा होना है नेक्स्ट, और उसके जो मर की तरह हैं वो भी उसी मुआहदे को देख रहे हैं. सो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी और पाकिस्तान के अंदर जो मार्केटिंग है वो उसी मीटिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है.
और पाकिस्तान को ये मीटिंग जो है यानी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान मीटिंग जो है मुआहदा होने का इंतजार है. सो नेक्स्ट हम देखेंगे इसके जो ट्रेड इम्बेलेंसेस. ट्रेड इम्बेलेंस अकर्स विद व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स एक्सीड्स एक्सीड्स एक्सपोर्ट्स. पाकिस्तान के अंदर जो तजारती अदम तवाजन है वो इस वक्त पैदा हुआ है, और जब किसी मुल्क की दरामदात जो है वो उसकी बरामदात से जो है वो ज्यादा हो जाती है, तो फिर इस तरह से तजारत के अंदर एक जो इम्बेलेंस है वो क्रिएट हो जाता है. और पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त बरामदात कम है, दरामदात ज्यादा है. पाकिस्तान ज्यादा दरामदात के ऊपर इन्हसार कर रहा है. तो इसके हवाले से जो करंट सिचुएशन है वो क्या है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को मसलसल तजारती खसारे का सामना है, जिससे क्या होता है दरामदात और दरामदात जो है वो बरामदात से बढ़ गई है. तो इसके अलावा इसके अंदर जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं मीन एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड डिपेंडेंसी ऑन अ फ्यू की सेक्टर्स देन इंपोर्ट डिपेंडेंसी हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट फॉर एनर्जी एंड रॉ मटेरियल देन कॉम्पिटेटिव डिसएडवांटेजेस एंड चैलेंजेस हैं इन कॉम्पीटिंग विद ग्लोबल मार्केट्स ड्यू टू हाई प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इनएफिशिएंसीज. सो इसके कंसीक्वेंसेस क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या होता है कि डिप्लेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ड्यू टू ट्रेड डिफेक्ट्स. फॉरेन एक्सचेंज के अंदर कमी आ जाती है रिजर्व में ट्रेड डिफेक्ट्स की वजह से. इसके साथ साथ जो यानी कि प्रेशर पड़ता है पेमेंट्स के ऊपर पोटेंशियल के ऊपर जो करेंसी डिप्रिसिएशन है. इसके अलावा जो एनर्जी क्राइसिस हैं पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तवानाई का बहरान है, और जो तवानाई की फरामी है उसमें अदम इस्तेकाम भी है और उसके अंदर कमी भी है. तो करंट सिचुएशन में क्या है कि पाकिस्तान की जो तवानाई की शदीद किल्लत है पाकिस्तान के अंदर, और जो बिजली की बंदिश है इसके हवाले से भी पाकिस्तान इस तरह के चैलेंजेस का सामना कर रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर मीन के जो पुराने और गैर मुसर तवानाई के जो बेसिक स्ट्रक्चर हैं या जो पावर हाउसेज हैं उनको यूज किया जा रहा है. इसके अलावा जो मालियाती मसाइल हैं तवानाई के शोबे के मालियाती मसाइल भी हैं, और इसके अगर हम इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें यानी इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है देन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को देखेंगे तो जो इक्तसादी असरात हैं इसके ऊपर यानी सनती पैदावार इक्तसादी सरगर्मियाँ जो हैं एक्टिविटीज़ हैं डिस्टर्ब होती हैं, और इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट है सरमायाकारी का माहौल है जिसमें कारोबारी कार्रवाइयाँ हैं या सरमायाकारी का माहौल है उसके ऊपर मनफी असर पड़ता है. सो करप्शन हम 8 पॉइंट में डिस्कस करेंगे. करप्शन क्या है कि करप्शन का मतलब है कि जो ज़ाती फायदे के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है मीन अब्यूज ऑफ पावर फॉर पर्सनल गेन, इसको हम करप्शन कहते हैं. देन करंट सिचुएशन पाकिस्तान के अंदर क्या है, तो पाकिस्तान में जो है इसके मुख्तलिफ शोबों में करप्शन के हवाले से पाकिस्तान को एक बड़ा चैलेंज का सामना है, और पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो कमज़ोर हैं, हुक्मरानी के अंदर शफाफियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एहतसाब की कमी है, जो अहलकार हैं उनको जवाबदेह नहीं बनाया जा रहा है, उनका जवाबदेही का जो निज़ाम है वो पाकिस्तान के अंदर गैर मुस्तर है और नाकाफी है. सो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं इकोनॉमिक इनएफिशिएंसी देन पब्लिक ट्रस्ट, तो इस तरह से जो सरकारी मंसूबे हैं उनके अंदर भी कारकर्दगी गैर मुस्तर होती है, वसाइल की जो तकसीम है वो गलत होती है, हुकूमत और इदारे जो हैं इदारों पर जो अवाम का एतमाद है वो कम हो जाता है, और इस वक्त पाकिस्तान के इदारों को अवाम का एतमाद हासिल नहीं है. देन स्ट्रक्चरल अगर हम इश्यूज़ देखें तो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ जो हैं वो क्या हैं कि जो स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं उनसे मुराद ये है कि जो इक्तसादी मसाइल हैं जिनके तरक्की और नशोनुमा के अंदर पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसके अंदर रुकावट बन रही है, और पाकिस्तान को जो अपनी मईशत है उसमें बहुत सारे सख्त चैलेंजेस का सामना है. सो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इसकी अगर हम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की बात करते हैं इसमें इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, एजुकेशन एंड स्किल्स हैं, तो जो सरकारी इदारे हैं और अवामी शोबे हैं उनके इंतजाम अगर मुसर है, उनकी कारकर्दगी कारोबारी एक्टिविटीज़ जो हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो उनको जो मुतासर करने वाला और एक कम्प्लेक्स किस्म का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है पाकिस्तान के अंदर. फिर एजुकेशन और स्किल्स की अगर हम देखें तो तालीम और जो पेशा वराना तरबियत है उसके अंदर फ़र्क है, जिससे जो क्या हो रहा है कि जो मतलब के लोग हैं उनकी कुत है उनकी पैदावार सलाहियत भी मुतासर हो रही है. सो कॉन्सिक्यूशंस इसके क्या हैं, तो इकोनॉमिक ग्रोथ स्लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिड्यूस कम्पिटेटिवनेस देन डिवेलपमेंट लिमिटेड प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग सोशो इकोनॉमिक डिसपार्टीज एंड अचीविंग सस्टेनेबल डिवेलपमेंट गोल्स. तो ये इसके ऊपर इफेक्ट पड़ते हैं.
And then conclusion ki draft aayenge. So Pakistan economy faces a range of challenges including fiscal defects, inflation, unemployment, external debt, trade imbalances, energy crisis, corruption, structural issues. So addressing these challenges require comprehensive policy measures, structural reforms and effective governance. So Pakistan ki jo maishat hai usko mali khasare, mehngai, berozgari, beruni karze, tijarati imbalance aur iske sath jo tawane ke bohran hai, corruption hai aur structure ke hawale se masail hain, tamam challenges ka samna hai aur in challenges se nimatne ke liye Pakistan ke andar policy bhi jame banane ki zarurat hai, ikdamat sakht karne ki zarurat hai, sakht islahat karne ki zarurat hai aur jo Pakistan ke hukmrani ka nizam hai usko masar banane ki zarurat hai. So, a thorough understanding of these economic issues essential for analyzing Pakistan economic performance, formulating strategies for sustainable growth, preparing for competitive exams in Pakistan. ٹھیک ہے تو ان معاشی مسائل کو گہرائی سے سمجھنا پھر ان کی اقتصادی کارکردگی کا تجزیہ کرنا ان کو انالائز کرنا پائیداری ترقی کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کے لیے پاکستان کے جو کے اندر جو کمپیریٹیو ایگزامز ہوتے ہیں ان کے لیے ان تمام چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے دین ہم نیکسٹ ٹاپک ڈسکس کریں گے پولیٹیکل ایولیوشن سنس 1971 ڈیولپمنٹ ان پاکستان پولیٹیکل لینڈسکیپ سنس 19 پولیٹیکل ایولیوشن سو پاکستان کے اندر ہم اس کو دیکھیں گے اس کا انٹروڈکشن دین اس کو significance, so preparation of the East Pakistan in 1971 Pakistan political landscape has undergone significant changes. This period has been marked by shifts in governance, political instability and evolving political dynamics. So Pakistan ke 1971 mein jo mashriqi Pakistan ke lehd gaye uske baad Pakistan ke siyasi manzarname mein bahut badi tabdiliyan aayi. Is arse ke dauran Pakistan ke jo hukmrani ki mein tabdiliyan aayi uske andar siyasi idam istiqam paida ho gaya tha. سیاسی جو movements تھی ان کے اندر بھی changes دیکھنے کو ملی then understanding these developments provide insight into the current political environment and the factors influencing Pakistan governance and policy making تو جو یہ جو تبدیلیاں ان کو سمجھنا پاکستان کی موجودہ سیاسی صورتحال کو سمجھنا پاکستان کے جو حکمرانی کی policy سازی اس پر جو اثر انداز ہوتے ہیں factors ان کو جاننا ضروری ہے سو ہم اس topic میں discuss کریں گے aftermath of 1971 partition and its effect سپریشن آف ایسٹ پاکستان ہے ری بیلڈنگ دا نیشن سو تقسیم اور اس کے اثرات کیا تھے مشرقی پاکستان کی جو علیحدگی تھی یعنی بنگلہ دیش کا قیام تو اس میں پاکستان کی جو سیاسی اور معاشرتی طور پر جو ہے دونوں لحاظ سے ایک نیا موڑ پیدا ہو گیا جس کے بعد پاکستان کی جو ہے ڈائریکشن بھی چینج ہو گئی سو ری بیلڈنگ دا نیشن جو علیحدگی کے اثرات تھے ان کو ختم کرنے کے لیے قومی اتحاد کو تعمیر کرنے کے اوپر پاکستان کے اندر توجہ دی گئی تھی ان کو بلڈ اپ کرنے کے لیے توجہ دی گئی دین پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئی ملٹری اینڈ سویلین گورنمنٹ سو فوجی اور سویلین جو حکومت تھی وہ 1970 کے دہائی کے آغاز میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کے لیے بنائی گئی تھی اور انہوں نے سیاسی عدم استحکام پیدا کیا اور جو جمہوری حکمرانی حکمران تھے یا ان کے جد و جہد تھی اس کے تمام انجینئر سویلین ملٹری گورنمنٹس کے باوجود بھی جاری رہی ضیاء الحق کا جو دور تھا 1971 سے 1988 تک تو اس کا جو ملٹری رول تھا تو اس نے پھر مارشل لا لگایا ضیاء الحق نے اس کی فوجی حکومت تھی مین کو دیتا جنرل ضیاء الحق کی جو فوجی بغاوت تھی وہ 1977 میں جو ہے انہوں نے جو وزیر اعظم تھے ذوالفقار علی بھٹو ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے مارشل لا لگا دیا مین کے آئین معطل ہو گیا اور پھر ملک میں جو ہے وہ مارشل لا نافذ ہو گیا تھا دین اسلامیزیشن اس کی پالیسیز اور اس کا امپیکٹ کیا ہے تو اسلامی قوانین اور جو پالیسیوں کا نفاذ ہے جس میں شریعت بھی ہے اس کے اوپر جو قانون سازی ہے وہ کی گئی پھر جو اسلامی عدالتیں تھیں وہ قائم کی گئی تھی پھر جو قانونی اور سماجی اصول تھے ان کے اندر بھی کافی چینجز آئی تھیں پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ مختلف جو اس کے شعبے ہیں وہ اس حوالے سے متاثر ہوئے دین پولیٹیکل ریپریشن اپوزیشن سے ریپریشن الیکشن اینڈ ڈیموکریسی ریپریشن آف پولیٹیکل اپوزیشن دیٹس انکلوڈنگ دی اریسٹ آف پولیٹیکل لیڈرز اینڈ ایکٹیویسٹ دین کنڈکٹنگ الیکشن 1985 انڈر ا نان پارٹی بیس سسٹم لیڈنگ ٹو دا فارمیشن آف دا پاکستان پیپلز پارٹی گورنمنٹ سو جو پاکستان کے اندر سیاسی جبر تھا یعنی کہ اپوزیشن کے اوپر دباؤ تھا سیاسی مخالفین اور جو اختلاف رائے رکھنے والے لوگ تھے ان کو دبا دیا گیا سیاسی رہنماؤں کو کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا پھر جو انتخابات اور جمہوریت کو اگر ہم دیکھیں جو کہ 1985 میں غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات کرائے گئے تھے جسے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنی تھی اس کے بعد ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے اگر ہم دیکھیں
गवर्नमेंट को देन डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनने के बाद देन 1988 टू 1999 रिटर्न टू डेमोक्रेसी देन एंड ऑफ मिलिट्री रूल देन बेनजीर भुट्टो इलेक्शन ऑफ बेनजीर भुट्टो एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 1988 रिप्रेजेंटिंग द पीपल्स पार्टी. सो इस तरह से जमहूरियत की वापसी हुई थी मुंतकिल हुई थी और 1998 से 1999 तक तो फौजी हुकूमत का खात्मा हो गया था. फिर 1988 में जनरल जियाउल हक की यानी कि मौत के बाद फिर जो सविलियन हुकूमत थी वो वापस आ गई. फिर पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी अमल है फिर से उसका आगाज हो गया और बेनजीर भुट्टो जो 1988 में बेनजीर भुट्टो जो थी वो पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई थी. वो इस्लामी जो है यानी कि इस्लामी जो ममालिक हैं उनके अंदर उनकी भी पहली खातून थी और वज़ीर-ए-आज़म जो पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा थी. फिर पाकिस्तान के अंदर जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखेंगे और करप्शन को देखेंगे जिसमें पॉलिटिकल राइवलरीज थे पीरियड मार्क बाय इंटेंस पॉलिटिकल राइवलरीज करप्शन स्कैंडल्स एंड गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस चैलेंजेस. पाकिस्तान को जो है जो इसके अंदर सियासी अदम इस्तेकाम आया फिर करप्शन हुई तो इस दौर में जो यानी कि सियासी जो इसके अंदर राइवलरीज थी और इसके अलावा जो करप्शन के इल्जाम थे हुकूमती चैलेंजेस थे उनकी वजह से पाकिस्तान मुश्किलात पैदा हुई थी. तो नेक्स्ट हम देखते हैं जो डिसमिसल था गवर्नमेंट्स का बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट का. सो फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द डिसमिसल ऑफ भुट्टो गवर्नमेंट इन 1990 to 1993 में भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था. उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आया जिसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुई देन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स. हम देखेंगे तो 1990 से 1993 के दौर में जो मुआशी असलाहत हैं फिर उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के ऊपर भी तवज्जो दी गई थी इनके अंदर और जो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे यानी अदलिया और अपोजिशन की जो जमातें थी उनके साथ तनाजात तो में इजाफा हो गया था. उसके बाद हम पॉइंट नंबर 5 पे देखेंगे जो मुशरफ का दौर था 1999 to 2008 तक तो मिलिट्री टेक ओवर देन को डेथ जनरल परवेज मुशरफ मिलिट्री कोप इन 1999 नवाज शरीफ देन मिलिट्री रूल पोजीशन ऑफ मिलिट्री रूल एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिलिट्री गवर्नमेंट. तो जनरल मुशरफ की जो जिनके 1991 की जो फौजी बगावत थी उसके नतीजे में जो नवाज शरीफ थे वज़ीरे आज़म उनको बरतरफ कर दिया गया था. फिर फौजी हुक्मरानी आई फौजी हुकूमत का क्याम हुआ मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज हो गया. इसके साथ जो इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसीज थी पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसके ऊपर इफेक्ट देन सोशल पॉलिसीज पाकिस्तान के अंदर क्या बनी. तो उसके साथ साथ जो यानी कि मुआशी तरक्की थी मुआशी असलाहत की गई निजकारी इंफ्रास्ट्रक्चर के मनसूबे इंट्रोड्यूस करवाए गए थे. इसके अलावा जो जदीद और तलीम के ऊपर भी तवज्जो दी गई थी और लेकिन उसके नतज मखलूत थे. सो नेक्स्ट हम देखेंगे पोलिटिकल रिफॉर्म्स एंड चैलेंजेस रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड जुडिशल क्राइसिस. सो जमहूरियत की फिर वापसी हुई 2008 में पाकिस्तान के अंदर जब इंतखाबात हुए थे और उसके ज़रिए सविलियन हुकूमत कायम हुई और फिर उसके बाद एक मखलूत हुकूमत बनी थी पाकिस्तान में. फिर उसके बाद 2007 के अंदर जुडिशल क्राइसिस आया यानी अदालती बहरान आया जिसमें जो चीफ जस्टिस इफ्तखार मोहम्मद चौधरी थे वो मुअत्तल हो गए थे और इसके नतीजे में एक बड़ी सतह के ऊपर जो है वो प्रोटेस्ट किए गए थे. देन सिविलियन गवर्नमेंट्स 2008 to 2018 फिर 2008 से 2018 तक भी सिविलियन गवर्नमेंट थी. रिटर्न टू डेमोक्रेटिक रूल पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट इलेक्शन ऑफ द पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट अंडर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी इन 2008. तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो थी 2008 में सदर आसिफ अली जरदारी की क्यादत में वो बनी थी और वो मुंतखब हुए थे सदर और नवाज शरीफ की जो हुकूमत थी इसके जिसमें पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी फिर वो 2013 के अंदर थी उनकी गवर्नमेंट कायम हुई थी. देन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या थे उस वक्त करप्शन और गवर्नेंस इश्यूज रिलेटेड टू करप्शन गवर्नेंस इकोनॉमिक मैनेजमेंट इन तमाम के हवाले से जिनके इश्यूज थे पाकिस्तान को पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म सिक्योरिटी के मसाइल थे ऑन गोइंग चैलेंजेस रिलेटेड टू टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी फॉरन रिलेशन इन तमाम के हवाले से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था. देन जुडिशल एंड पोलिटिकल डिवेलपमेंट्स judicial activism increased role of the judiciary in political matters including the disqualification of Nawaz Sharif in 2017. तो 2017 में अदलिया ने सियासी मामलों में अहम किरदार अदा किया था तो उसकी वजह से जो है नवाज शरीफ की
نائل ہی ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد جو سیاسی یعنی پولیٹیکل ریوائول تھی جو انتخابی تنازعات تھے وہ پھر عمل میں آئے دین عمران خان گورنمنٹ جو ہے وہ 2018 سے 2023 تک رہی دین الیکشن اینڈ گورننس اگر ہم اس میں دیکھیں تو پی ٹی آئی گورنمنٹ الیکشن آف عمران خان پاکستان تحریک انصاف پارٹی ان 2018 دین پالیسی فوکس ایمفیسائز آن اینٹی کرپشن اکانومک ریفارم سوشل جسٹس تو پاکستان کے اندر جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ تھی وہ 2018 میں قائم ہوئی اور عمران خان وزیر اعظم منتخب ہوئے اور اس کے ساتھ جو ان کا فوکس تھا وہ کرپشن کا خاتمہ تھا معاشی اصلاحات تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سوشل جسٹس تھا دین چیلنجز اور کنٹروورسیز کیا تھے ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا پاکستان کی اکانومی کو خاص طور پر بہت سارے ڈیفیکلٹیز تھیں ان کے انفلیشن تھی فسکل ڈیفیسٹ تھا ایکسٹرنل ڈیٹ کا سامنا تھا اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اپوزیشن چیلنجز تھے کچھ پولیٹیکل اپوزیشن پارٹیز کی جانب سے کچھ سول سوسائٹی کی جانب سے کچھ جو ہے وہ مسائل کا سامنا تھا اس کے بعد فارن پالیسی نیویگیٹنگ کمپلیکس فارن ریلیشنز انکلوڈنگ ود دی یو ایس چائنا اینڈ نیبرنگ کنٹریز تو اس کے ساتھ جو خارجہ پالیسی تھی جس میں امریکہ چین اور پھر جو ہمسایہ ممالک ان کے ساتھ بھی پیچیدہ قسم کے خارجی تعلقات تھے دین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ پوسٹ 2023 کرنٹ پولیٹیکل لینڈ اسکیپ ایمرجنگ ٹرینڈز اوور ویو آف ریسنٹ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ایمرجنگ ٹرینڈز سنس 2023 دین کی ایشوز فیسنگ دا کرنٹ گورنمنٹ انکلوڈنگ اکنامک ریفارمز پولیٹیکل اسٹیبلٹی اینڈ گورننس چیلنجز تو پھر جو 2023 کے بعد سیاسی حالات اور پھر ابھرتے جو رجحانات تھے اس میں کیا ہوا کہ جو موجودہ حکومت تھی پھر اس کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا تھا معاشی اصلاحات کے حوالے سے سیاسی استحکام کے حوالے سے حکومتی چیلنجز کے حوالے سے تو پھر سیاسی استحکام اور جمہوریتی جو مضبوطی کے امکانات تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو یعنی کہ آئندہ سالوں کے اندر جو معاشی اور سماجی اصلاحات تھیں اس کے بھی اہم شعبے تھے اس کے اندر اور اس کے بعد جو فیوچر پراسپیکٹس ہیں یعنی پولیٹیکل اسٹیبلٹی پراسپیکٹ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو میں ڈیموکریٹک کنسولیڈیشن اکنامک اینڈ سوشل ریفارمز ریسپیکٹ فوکس ایریاز فار اکنامک اینڈ سوشل ریفارمز ان کمنگ ایئرز سو کنکلوژن کی طرف آئیں گے ہم اس ٹاپک کے تو 1971 پاکستان پولیٹیکل لینڈسکیپ ہیز ایوالوڈ تھرو پیریڈز آف ملٹری رول ڈیموکریٹک ٹرانزیشن آن گوئنگ پولیٹیکل اینڈ اکنامک چیلنجز انڈرسٹینڈنگ دی ڈیولپمنٹس is crucial for analyzing Pakistan's current political dynamics and future prospects. 1971 کے بعد پاکستان کے جو سیاسی منظرنامہ تھا اس میں فوجی حکومتیں تھیں پھر جمہوریت کو منتقل ہو جاتی تھی سیاسی اور معاشی چیلنجز کا مسلسل پاکستان کو سامنا رہا اس کے علاوہ جو پاکستان کے جو ان تمام چیزوں کو سمجھنا پاکستان کے موجودہ سیاسی جو موومنٹس ہیں ان کو سمجھنا پاکستان مستقبل کے امکانات کو انالائز کرنا ضروری ہے So this detailed overview provides a comprehensive understanding of the political evolution essential for comparative exams, essential for CSS pioneers and deeper grasp of the country, governance and political history. ٹھیک ہے پاکستان کے جو سیاسی ارتقاء ہو جو پاکستان ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو کمپیریٹیو ایگزامز ہیں اور جو تو ان کے لیے سمجھنا ضروری ہے یعنی کہ ملک کی حکمرانی کو سیاسی تاریخ کو بہتر سمجھنے کے لیے بہتر سمجھنا ان کے لیے ضروری ہے سو نیکسٹ ہم پوائنٹ ڈسکس کریں گے سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان انٹریکشن بٹوین سویلین گورنمنٹس اینڈ دا ملٹری سو سول ملٹری ریلیشنز ان پاکستان ہیو بین کریکٹرائزڈ بائی کمپلیکس اینڈ آفن کنٹینشس انٹریکشنز بٹوین سویلین گورنمنٹس اینڈ دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ سو دس ریلیشن شپ ہیز سگنیفیکینٹلی انفلوئنسڈ دا کنٹری پولیٹیکل اسٹیبلٹی گورننس اینڈ پالیسی میکنگ ٹھیک ہے پاکستان کے اندر جو سول فوجی تعلقات ہیں ہمیشہ پیچیدہ رہے متنازع رہے ملک کی سیاسی استحکام ہو حکمرانی ہو یا پالیسی سازی ہو سب کے اوپر انہوں نے اثر ڈالا دین انڈرسٹینڈنگ دس ڈائنمک از کروشل فار انالائزنگ پاکستان پولیٹیکل ہسٹری گورننس چیلنجز اینڈ سیکورٹی پالیسیز تو ان کمپلیکس چیزوں کو سمجھنا پاکستان کی سیاسی تاریخ کو دیکھنا حکومتی چیلنجز کو دیکھنا سیکورٹی پالیسی کے تجزیہ کرنا انالائز کرنا ضروری ہے ہسٹریکل کانٹیکسٹ ہم دیکھیں گے جس میں ارلی ایئرز 1947 ٹو 1958 سو پوسٹ انڈیپینڈنس ملٹری پلیڈ اے کروشل رول in early years of Pakistan formation including participation in political and administrative functions and then instability frequent changes in government political instability led to the military increase to involvement in governance to jo today dor tha 1947 to 1958 to uske baad jo fauj ne pakistan ke structure ke andar ابتدائی جو سال تھے اس میں پاکستانی سیاسی ہوں یا انتظامی معاملات ہوں اس کے اندر اہم کردار ادا کیا اس کے علاوہ جو انسٹیبلٹی تھی جس میں حکومت کی بار بار تبدیلیاں ہوئیں سیاسی عدم استحکام آیا تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فوجی کے جو حکومتی معاملات تھے ان کے اندر مداخلت زیادہ ہو گئی
So Ayub Khan ka agar hum era dekhe 1958 to 1969, so military takeover ko date General Ayub Khan cop in 1958 marked the beginning of direct military rule. Martial law, position of imposition of martial law and suspension of the constitution. So jo Ayub Khan ka daur tha, General Ayub Khan in 1958 mein jo iktidar par kabza kar liya, phir fauji hukumat qaim ho gayi, phir ain ke jo muattal ho gaye, mulk mein martial law nafiz ho gaya. इसके साथ जो गवर्नेंस है, अगर हम रिफॉर्म्स की बात करें, इकोनॉमिक सोशल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल देन रिपरेशन, तो जो यानी कि माशी और समाजी असलात की गई इसके अंदर, और फिर सियासी दबाव भी था, मीन के सियासी जो इख्तलाफात थे उनको दबा दिया गया था, सियासी जो आज़ादियाँ थी उनके ऊपर पाबंदियाँ लग गई. देन जो ट्रांजिशन टू सिविलियन रूल है, रिजाइनेशन एंड ट्रांजिशन यू कॉन resigned in 1969 and returned to civilian rule under General Yahya Khan. So, उसके बाद जो है 1969 के अंदर यूब खान ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद जनरल याह खान थे, फिर उन्होंने जो है वो सिविलियन हुकूमत वापस लाई. फिर जियाउल हक का दौर अगर हम देखें 1977 to 1988, military rule, cop and martial law. General जियाउल हक cop in 1977 leading to prolonged period of military rule. Islamization policies, implementation of the Islamic law policies affecting the legal and social framework. तो 1970 के अंदर जो जनरल जियाउल हक थे, उन्होंने को देदा के बाद जो है दो अरसे तक फौजी हुकूमत को कायम रखा, फिर इस्लामी कवानीन को नाफिज करने के लिए और जो सोशल स्ट्रक्चर था उसके अंदर तब्दीलियाँ लेकर आए वो. फिर पॉलिटिकल अगर हम कंट्रोल देखें, पॉलिटिकल रिप्रेशन मीन रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसेंट ओपोजिशन, देन conduct of non-party based election 1958 which led to the formation of civilian government under their control. तो जो 1985 के अंदर कुछ गैर जमहूरी बुनियादों के ऊपर हुकूमत ने इंतखाबात करवाए गए थे और एक सिविलियन हुकूमत बनाई गई थी, लेकिन वो जियाउल हक के जो है वो अंडर रही. देन नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो कि 1988 टू 1999, जिसमें फिर डेमोक्रेसी की वापसी हुई, जिसमें सिविलियन गवर्नमेंट कायम हुई और फिर मिलिट्री इन्फ्लुएंस किया था इसके अंदर. तो बेनजीर भुट्टो जो और नवाज शरीफ के जो इंतखाबात थे उनके साथ सिविलियन हुकूमत फिर वापस आ गई थी, और जो फौज का सियासी अमल मामलात के अंदर जो इन्फ्लुएंस था वो भी बरकरार रहा, खासतौर पर जो पॉलिसी और सिक्योरिटी के मामलात के अंदर. और पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी थी जिसमें गवर्नर इशूज हैं या मिल्ट्री रूल हैं, तो सियासी अदम इस्तेकाम, करप्शन, हुकूमत के अंदर बार बार तब्दीलियाँ, फिर दाखिली सिक्योरिटी, दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ, इन तमाम के अंदर फौज का किरदार अहम रहा. देन मुशरफ एरा आया, फिर 1999 टू 2008 मिलिट्री टेक ओवर हुआ इसके एक बार, फिर 1999 के अंदर फिर मिलिट्री रूल एस्टेब्लिश हो गया, गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म्स हुई मुशरफ की लीडरशिप में. इसके साथ जो सिविल और मिलिट्री रिलेशनशिप्स क्या थे, सिविलियन गवर्नमेंट्स बनी, मुशरफ एफर्ट टू बैलेंस मिलिट्री रूल विद सिविलियन गवर्नमेंट स्ट्रक्चर. देन पॉलिटिकल टेंशन बिटवीन मुशरफ मिलिट्री रजीम, देन पॉलिटिकल पार्टीज लीडिंग टू कंट्रोवर्सीज एंड कन्फ्लिक्ट्स. तो इसके साथ जो मुशरफ के दौर में कुछ मौशी समाजी असलाहत भी हुई, तो मुशरफ ने जो फौजी हुक्मरानी थी उसको सिविलियन जो हुकूमती जो इंस्ट्रक्चर था उसको बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन जो मुशरफ की हुकूमत थी उनके अंदर सियासी जमातों के दरमियान जो है कशीदगी थी वो बढ़ गई थी, और फिर तनाजात इख्तलाफात वगैरह ये पैदा हो गए थे. देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स फिर कायम हुई 2008 से 2018 तक, सिविलियन रूल कायम हुआ एक बार, फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और उसके नतीजे में जो है गवर्नमेंट बनी पीपल्स पार्टी की, और सदर आसिफ अली जरदारी सदर बने. सो सिविल मिलिट्री रिलेशंस क्या थे उनके, ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन सिविलियन गवर्नमेंट्स एंड मिलिट्री रिगार्डिंग सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी एंड गवर्नेंस. तो फॉरेन पॉलिसी सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी के मुतालिक या गवर्नेंस के मुतालिक, तो इस तरह से उनका जो है वो इंटरप्शन जारी रही पाकिस्तान फौज की तरफ से इन तमाम मामलों के अंदर. और इसके बाद जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान को, सिक्योरिटी के कंसर्न थे, पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे, मेन इश्यूज उनके पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से पाकिस्तान को थे, पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे उनके अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस हुए, देन पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स का भी सामना था पाकिस्तान को, इसके अलावा सिविलियन अफेयर्स के अंदर भी उनकी जो है मुदाखलत थी. फिर उसके बाद 2018 से 2023 तक इमरान खान का दौर आया, और इमरान खान जो है पीटीआई की गवर्नमेंट बनी, इमरान खान वजीर आजम मुंतखब हुए पाकिस्तान के. फिर उसके बाद कोऑपरेशन और टेंशन को अगर हम देखें, तो इंस्टांस ऑफ कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इश्यूज एंड टेंशन ओवर गवर्नेंस एंड पॉलिसी डिसीजंस.
अगर हम गवर्नमेंट जो हुकूमत थी पीटीआई की उनके और फौजी एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अगर हम ताल्लुकात देखें तो सिक्योरिटी के मसाइल के ऊपर तावन था, लेकिन इसके साथ जो हुक्मरानी और पॉलिसी के हवाले से कुछ फैसले गवर्नमेंट की तरफ से किए जाते थे तो उनके ऊपर जो है वो फौज का असर रहा और इसके कुछ तनाजात का भी सामना रहा और इसके साथ की इश्यूज गवर्नेंस चैलेंजेस चैलेंजेस रिलेटेड टू इकोनॉमिक मैनेजमेंट फॉरेन पॉलिसी इंटरनल सिक्योरिटी इसके हवाले से रहे और इसके साथ पॉलिटिकल ओपोजिशन भी थी। पॉलिटिकल ओपोजिशन के जो है वो ओपोजिशन का जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस था ओपोजिशन एलिगेशन ऑफ मिलिट्री इन्फ्लुएंस इन पॉलिटिकल प्रोसेस इन इलेक्शन तो सियासी मुखालफिन की जानब से इंतखाबात या सियासी अमल के अंदर जो फौजी असर और सुख था उसकी जानब से यानी फौज के जो है वो जो उन्होंने जो किरदार अदा किया कि ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा कि फौज ने फिर इलेक्शन के अंदर अपना किरदार अदा किया, इस तरह के इल्ज़ाम लगते रहे और उसके साथ जो रिसेंट डिवेलपमेंट्स हुई सो करंट पोलिटिकल लैंडस्केप सिविल मिलिट्री इंट्रैक्शन की चैलेंजेस ओवरव्यू ऑफ द ऑनगोइंग इंट्रैक्शन बिटवीन सिविल एंड गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री देन की चैलेंजेस फेसिंग द करंट गवर्नमेंट इन मैनेजिंग द सिविल मिलिट्री रिलेशंस तो सिविलियन हुकूमत और फौज के दरमियान जो तलुकात थे मौजूदा हुकूमत को सिविल फौजी तलुकात को संभालने में भी बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है और अगर हम फ्यूचर एस्पेक्ट्स देखते हैं तो सो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स में अगर हम देखें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोस्पेक्ट्स ऑफ अचीविंग अ स्टेबल बैलेंस बिटवीन सिविलियन गवर्नेंस एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस रिफॉर्म्स इन गवर्नेंस पोटेंशियल रिफॉर्म्स इन मायर्स टू इंप्रूव सिविल मिलिट्री रिलेशंस एंड गवर्नेंस तो सिविलियन हुक्मरानी और जो फौजी असरात थे उनके दरमियान जो एक बैलेंस था उसके इम्कान थे, लेकिन सिविल फौजी तलुकात जो हुक्मरानी है उसको बेहतर बनाने के लिए भी इसलाहत और कुछ इकदाम किए गए थे, रिफॉर्म्स किए गए थे। देन कंक्लूजन की तरफ हम आते हैं सिविल मिलिट्री रिलेशन पाकिस्तान इवॉल्व्ड फॉर पीरियड्स ऑफ मिलिट्री रूल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशंस ऑनगोइंग इंटरेक्शंस बिटवीन सिविलियन गवर्नेंस एंड द मिलिट्री एंड अंडरस्टैंडिंग दिस डायनेमिक्स इज एसेंशियल फॉर एनालाइजिंग पाकिस्तान पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस। सो जो पाकिस्तान के अंदर सिविल फौजी तलुकात थे फौजी हुक्मरानी थी जहाँ जमहूरियत की मुंतकली हुई सिविलियन हुकूमतों के दरमियान मसलसल मामलात रहे मसाइल रहे फिर इन तमाम चीज़ों को पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम को पाकिस्तान के जो हुक्मरानी के तज्जिए हैं इनको समझना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे एथनिक इशूज एंड नेशनल इंटीग्रेशन एड्रेसिंग एथनिक डाइवर्सिटी एंड प्रोमोटिंग नेशनल यूनिटी। पाकिस्तान डिवर्स है ethnic landscape including various ethnic groups with distinct languages, culture, identities, ethnic issues have influenced national integration, unity, then understanding how ethnic diversity impacts national unity is crucial for understanding socio-political challenges and fostering a cohesive national identity. So, Pakistan ka jo nasli manzarnama hai, jo nasli group hai, unke wo mukhtalif hai aur jinke andar alag zabanein hain, sakafatein hain, shanakhtein hain. तो इसके अलावा जो कौमी यकजहती है इत्तेहाद है इन तमाम चीज़ों के ऊपर गहरा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान के जो कौमी यकजहती है उसके असरात को समझना पाकिस्तान के समाजी सियासी चैलेंजेस से निपटना फिर इस तरह से जो जो नेशंस की यानी कि कोऑर्डिनेशन है उसको फ़रोग देना ज़रूरी है नेशंस के दरमियान। तो मेजर हम एथनिक ग्रुप्स अगर देखें जिसमें पंजाबीज हैं प्रेडोमिनेंटली इन पंजाब कल्चरल एंड इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंशियल then Sindhi, mainly in Sindh, with a rich cultural heritage, historical significance. Pathan, Pashtuns, mean primarily in KPK, in parts of the Balochistan, known for their distinct cultural traditions. Then Bloch, predominantly in Balochistan, with a strong sense of ethnic identity and demands for greater autonomy. Then Muhajir, immigrants from India after partition, mainly in urban areas like Karachi, and some other groups like Saiki, Hazara, and others. So, इसके जो पाकिस्तान के कुछ नस्ली ग्रुप हैं इनके जिनमें पंजाब में अक्सरियत है पंजाबियों की और इसके साथ सिंध है इसमें भी तारीखी हवाले से अहम है सिंध फिर केपी के बलोचिस्तान है उसके कुछ हिस्सों के अंदर मतलब उनके सकाफत के कुछ रवायात हैं फिर बलोचिस्तान है तो उस तरह से इनके अंदर जो है शनाख्त है उनकी अपनी और खुद मुख्तारी के वो ज़्यादा अपने खुद मुख्तारी के मुतालबात पाकिस्तान रियासत के सामने रखते हैं और इसके साथ जो मुहाजिर हैं वो तकसीम के बाद भारत से आए थे तो इस तरह से कराची जो है वो जैसे शहर हैं तो इन इलाकों में वो ज़्यादातर आबाद हैं
और उसके साथ जो कुछ दीगर ग्रुप है, मिसाई की है और हजारा के लोग हैं. सो देन हिस्ट्रिकल कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे, प्री इंडिपेंडेंस एरा, ब्रिटिश इंडिया. सो एथनिक एंड कल्चरल डिविजन्स एग्जिस्टेड विद ब्रिटिश इंडिया, इन्फ्लुएंसिंग पार्टीशन ऑन द सब कॉन्टिनेंट एंड पार्टीशन इम्पैक्ट इन माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथनिक कम्युनिटीज ड्यूरिंग पार्टीशन शेप्ड एथनिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान. तो आज़ादी से पहले जो बरतानवी हिंदुस्तान था उसमें नस्ली और सकाफ़ती तकसीम मौजूद थी. तो बरसगीर की तकसीम के ऊपर इसने गहरा असर डाला था. फिर तकसीम के दौरान जो नस्ली बरदरियाँ थीं उन्होंने हिजरत की, उनको बेदखल कर दिया गया था. फिर इस तरह से मुख्तलिफ मंजरनामा बना देने, इतनी की टेंशन एंड कन्फ्लिक्ट, हिस्ट्रिकल कन्फ्लिक्ट, बलोच इंसर्जेंसी, सिंधी मुहाजर टेंशन, देन पश्तून डिसकंटेंट. तो इसके अलावा जो कुछ कशीदगियाँ और तनाजात भी हैं जिसमें बलोचों की बगावत है, बलोच जो है वो खुद मुख्तारी चाहते हैं और जो उनके वसाइल हैं बलोचिस्तान के अंदर उनके ऊपर वो कंट्रोल चाहते हैं. इस हवाले से जो है वो उनके मुतालबात हैं और इस तरह के मसाइल हैं बलोचिस्तान के लोगों के साथ. और कुछ जो सिंध और मुहाजरीन हैं उनके दरमियान भी कुछ सियासी इक्तसादी वसाइल हैं. इसके साथ जो पश्तून हैं उनकी अपनी एक शनाख्त है, उनकी बेहतर नुमाइंदगी है और उनके खुद मुख्तारी के मुतालबात भी उनकी तरफ से किए जाते हैं. कुछ इस तरह से उनके को खुद मुख्तारी के मामलों का भी उनको सामना है. और उसके बाद अगर हम अर्बन रूरल डिवाइड देखें जिसमें रिसोर्स एलोकेशन एंड डिस्पार्टीज इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस कंट्रीब्यूटेड टू एथनिक टेंशन. सो वसाइल की जो तकसीम है वो सियासी नुमाइंदगी में अदम तवाजन है, इसकी वजह से इसमें अंदर फिर कशीदगी बढ़ रही है. इसके साथ साथ अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स देखें, फेडरल स्ट्रक्चर, प्रोविजनल ऑटोनॉमी, देन लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म्स, वफाकी जो स्ट्रक्चर है जिसमें सूबे खुद मुख्तारी है, पाकिस्तान को वफाकी जो ढांचा है, पाकिस्तान को सूबों को कुछ आता है खुद मुख्तारी देता है जिसे जो इलाके हैं उनके जो मतालबात हैं या नस्ली के हवाले से मतलब कि उनको नस्ली ग्रुप्स के हवाले से कुछ मसाइल का सामना है. इसके साथ साथ जो मकामी हुकूमतें हैं उनके निज़ाम है उनको जो उनकी नाफिज हुक्मरानी है उसको बेहतर बनाने की ज़रूरत है, उनके मसाइल को हल करने के लिए की ज़रूरत है. देन कॉन्स्टिट्यूशन मैयाज़ अगर हम देखें 1973 कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एथनिक डाइवर्सिटी प्रोविजन फॉर प्रोविजनल ऑटोनॉमी देन एंड लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क लॉज एंड पॉलिसीज एम डेट टू प्रमोटिंग इक्वलिटी एंड प्रोटेक्टिंग माइनॉरिटी राइट्स. तो इस तरह से जो 1973 के अंदर अनसर के हवाले से शनाख्ती सूबह खुद मुख्तारी थी वो उस हवाले से दफात शामिल की गई थी. कवानीन और पॉलिसियाँ जो मसावत को फ़रोग देने के लिए अकलीतों के हकूक की हिफाजत के लिए बनाई गई. इसके साथ एजुकेशनल कल्चरल इनिशिएटिव्स, प्रमोशन ऑफ डाइवर्सिटी, देन मीडिया रिप्रेजेंटेशन, सो तालीमी प्रोग्राम भी हुए, कुछ सकाफ़ती इकदाम भी किए गए. इसके अलावा मीडिया और अवामी नुमाइंदगी भी थी. तो इनके अंदर जो उनको भी उनकी जो नुमाइंदगी थी मुस्लिम ग्रुपों की ग्रुपों के उसको यकीनी बनाया गया. देन चैलेंजेस इन नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल इकोनॉमिक डिसपार्टीज, रीजनल इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक एंड सोशल डिसपार्टीज बिटवीन डिफरेंट रीजन एंड कितने ग्रुप्स, देन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन इशूज रिलेटेड टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज. तो मुख्तलिफ इलाके और जो नस्ली ग्रुप हैं उनके दरमियान इक्तसादी और समाजी फर्क है. फिर मसाइल और तरक्याती मौके हैं. फिर उनके मसमान तकसीम के मुतालिक मसाइल हैं. और इसके साथ साथ जो पोलिटिकल रिप्रजेंटेशन है, अंडर रिप्रजेंटेशन, दैन पोलिटिकल फ्रेगमेंटेशन. तो जो नस्ली ग्रुप हैं उनको कौमी सूबाई हुकूमतों में कम नुमाइंदगी का एहसास होता है. इसके अलावा जो सियासी तकसीम है सियासी इस्तेहकाम और हुक्मरानी को मुतासर करती है. सिक्योरिटी के मसाइल हैं कुछ, यानी मिलिट्री एंड एक्सट्रीमिज्म, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. तो मिलिटेंसी और जो एक्सट्रीमिज्म है यानी कि तो जिसमें दहशतगर्दी है, तापसंदी है और नस्ली और जो फिरकावरान तशद्दुद है. तो ये जो कौमी सलामती और इस्तेहकाम है इसको इसके ऊपर नेगेटिव असर डालते हैं, इसको मुतासर करते हैं. नस्ली तनाजात को हल करना ज़रूरी है. अमन को बरकरार रखने के हवाले से पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना. इस तरह अगर हम स्ट्रेटजीज देखें प्रमोट करने के, नेशनल यूनिटी कोर्ट्स में इंक्लूसिव गवर्नेंस है, रिप्रेजेंटेशन, देन पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. तो हुक्मरानी और फैसला साजी के हवाले के अंदर जो मुख्तलिफ ग्रुप हैं उनको बराबरी की सतह के ऊपर नुमाइंदगी को यकीनी बनाना चाहिए, उनको नुमाइंदगी दी जानी चाहिए. पॉलिसियों को नाफिज करना चाहिए, जो इस हवाले से कुछ शिकायात हैं उनको हल किया जाए और फिर उनको जो है उनको शमूलियत उनकी की जाए इन पॉलिसियों को फ़रोग देने में, इन पॉलिसियों को मौसर बनाने में. इसके साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें बैलेंस डेवलपमेंट है या और इसके साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट है
مختلف علاقوں میں متوازن اقتصادی ترقی کو فروغ دینا ضروری ہے تاکہ جو سماجی اقتصادی فرق ہے اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے علاوہ جو کلچرل انٹیگریشن ہیں, نیشنل آئیڈینٹی, اس کے بعد کلچرل ایکسچینج ہے, تو علاقوں میں انفراسٹرکچر اور جو سرمایہ کاری کرنا بھی ضروری ہے تاکہ معیار زندگی کو بہتر بنایا جائے. پھر جو اس کے ساتھ جو قومی شناخت ہے اس کا احترام کیا جائے, اس کو فروغ دیا جائے, ثقافتی تبادلے کے پروگراموں کو فروغ دیا جائے, پھر اس کے جو ان کے درمیان کوآرڈینیشن ہے اس کو بڑھایا جائے. اس کے علاوہ جو کیس اسٹڈیز ہیں سکسیسفل انٹیگریشن ایفرٹس, سو کراچی ایتھنک ہارمونی انیشیٹو ان کراچی ٹو ایڈریس ایتھنک ٹینشنز پرومیٹنگ ہارمونی امنگ ڈائیورس کمیونٹیز, بلوچستان ڈیولپمنٹ پروجیکٹس, گورنمنٹ پروجیکٹس ایمڈ ایٹ ایڈریسنگ بلوچ ڈیمانڈ اینڈ پرومیٹنگ ڈیولپمنٹ ان بلوچستان, تو جو نسلی گروپ کا احترام ہے اس کو فروغ دینا ضروری ہے. کراچی کی جو نسلی ہم آہنگی ہے, کراچی میں جو نسلی کشیدگی ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے. مختلف کمیونٹیز کے درمیان کوآرڈینیشن کو قائم کرنا ضروری ہے. بلوچوں کے جو مطالبات ہیں ان کو حل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بلوچستان کے جو ترقی ہے اس کو فروغ دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کے لیے حکومتی منصوبے ان کو منصوبے بنانے ہیں اور ان کی ان منصوبوں کی ضرورت ہے. دین آن گوئنگ چیلنجز سندھ مہاجر ریلیشنز دین پشتون رائٹس موومنٹ, تو اس طرح سے جو سندھ مہاجر تعلقات ہیں یعنی سندھ اور مہاجرین کے درمیان جو تناؤ ہے اس کو دور کرنا ضروری ہے, اور جو پشتون حقوق کی تحریکیں چلتی ہیں ان کے پشتون کمیونٹی کے مطالبات اور ان کی شکایت ان کو پاکستان کی ریاست کی طرف سے حل کیا جانا ضروری ہے تاکہ زیادہ نمائندگی ہو, ان کو خود مختاری دی جائے. سو ہم ایتھنک ڈائیورسٹی ان پاکستان دیکھیں گے, پریزنٹس بہت چیلنجز ہیں, اپرچونیٹیز, فائنینشیل انٹیگریشن, ایڈریسنگ ایتھنک ایشوز, پرومیٹنگ نیشنل یونائٹی ریکوائرز اے کمپریہنسو اپروچ انوالونگ گورننس, اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ کلچرل انٹیگریشنز. تو پاکستان کے اندر جو نسلی قومی یکجہتی ہے اس کے چیلنجز, ان کو جو مواقع ہیں دونوں دیے جا رہے ہیں, نسلی مسائل سے نمٹنا, قومی اتحاد کو فروغ دینا ضروری ہے, جس کے اندر جو قومی حکمرانی ہے, اقتصادی ترقی ہے, ثقافتی انضمام اس کے اندر انکلیوڈ ہو.